वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज या फिर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक के अंदर आज की बात की जाए तो या फिर आप देख सकते कि तकरीबन तेजी देखने को मिले। जेपी पावर में आज फिर से एक बार 2% ऊपर, स्टॉक 15 पैसे की तेजी देखने को मिले। 7.35 पे ट्रेडिंग करा है स्टॉक, 15 पैसे ऑफ है, 2% की तेजी है। मीन जैसे स्टॉक आज ओपन हुआ प्रीवियस क्लोजिंग का सपोर्ट लिया और वही से एक रिकवरी मोड में देखने को मिला है स्टॉक। मीन्स एक अच्छे मूवमेंट के साथ अपर ऊपर जा रहा है स्टॉक। तकरीबन देख सकते कि 7.35 पे रिसेंटली रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। उस लेवल को ब्रेक करता है तो तकरीबन 7.40 लेवल भी रेजिस्टेंस एक्ट हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंटली रेजिस्टेंस एक्ट हो सकते हैं स्टॉक के लिए, उसके ऊपर नजर डालेंगे। मार्केट कैप फिर से 5000 करोड़ के करीब आ चुका है, पी रेशियो 13 का है और लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए स्टॉक की तो पिछले 5 दिनों में कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आ चुका है। तो वॉल्यूम की बात की जाए जेपी पावर की तो जेपी पावर का ट्रेडेड वॉल्यूम 1.38 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू 1001 लाख की ट्रेडेड वैल्यू है। बाइंग के लिए 82 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, पर सेलिंग के लिए जो है टोटली 1 करोड़ से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है। सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो 1.35 करोड़ में से 56 लाख क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिलाकर 41%। चार्ट के ऊपर भी नजर डाली जाए तो स्टॉक में आज रिकवरी देखने को मिल रही है, पर यहाँ पे हमने देखा था कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 200 मूविंग एवरेज 7.35 है, उस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक और उसी के ऊपर 7.40 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए, वो भी रेजिस्टेंस लेवल है। तो वही दो लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट हो गया स्टॉक, तो ये दो लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर 7.65 लेवल तक जाने के चांसेस ओपन हो सकते हैं।